जाट आरक्षण को लेकर करनाल पुलिस हुई हाई अलर्ट, पुलिस ने किया मॉक ड्रिल, पुलिस ने शांति भंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई का किया ऐलान। अमित शाह की जींद रैली से पहले सैनी का बड़ा बयान, कहा अमित शाह से कई बार मिलने की कोशिश की पर नहीं दिया मिलने का वक्त। हिसार जिले के 80 गांव 16 फरवरी से करेंगे आर पार का संघर्ष, गांव के लोग नहरों में पानी को लेकर 267 दिन से कर रहे हैं आंदोलन। जाटों द्वारा अमित शाह की रैली के विरोध के ऐलान पर बैकफुट पर आई सरकार, यशपाल मलिक को कल दिल्ली के हरियाणा भवन मिलने के लिए बुलाया। गुरुग्राम के सरकारी अस्पताल के गेट पर महिला की डिलीवरी पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का बयान, कहा मामले को लेकर राज्य सरकार ने दिए हैं जांच के आदेश। गोहाना के मुंडलाना गांव में छात्रा ने शिक्षिका पर लगाया बेरहमी से पिटाई का आरोप, सवाल का जवाब नहीं देने पर शिक्षिका ने की थी पिटाई, परिजनों ने दर्ज कराई शिकायत। जींद में 15 फरवरी को होने वाली अमित शाह की रैली की तैयारियों के सिलसिले में शनिवार को जींद पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने कहा कि ये रैली ऐतिहासिक रैली होगी। सुभाष बराला ने कहा कि रैली का विरोध कर रहे जाटों को मना लिया जाएगा और रैली में किसी भी प्रकार का खलल नहीं पड़ने दिया जाएगा। फतेहाबाद के रतिया स्थित नर्सिंग स्कूल पर 3 लाख रुपए फीस लेकर एक छात्रा का एडमिशन करने का लगा आरोप, छात्रा के आरोप के मुताबिक स्कूल ने उन्हें बिहार बोर्ड का फर्जी सर्टिफिकेट दिया, छात्रा ने स्कूल डायरेक्टर पर धमकी देने का भी लगाया आरोप।